दोस्तों आज के समय पर जो नबी ऐप है काफ़ी अच्छा रेफरल इनकम दे रहा है, लेकिन काफ़ी लोग इसके KYC को लेकर काफ़ी ज़्यादा चक्कर में पड़े हुए हैं और आने वाले कैशबैक को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से यदि आप भी नबी ऐप से कैशबैक प्राप्त करना चाहते हैं और KYC पूरी करना चाहते हैं, वीडियो आपको पूरी देखनी है। तो दोस्तों मैं हूं आपका अपना धीरेंद्र सिंह बिष्ट, अभी आप देख रहे हैं टेकनेट मी। और दोस्तों अभी तक आपने नबी ऐप में KYC नहीं की है तो कोई बात नहीं, अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाइए और दोबारा मतलब अपने एप्लीकेशन को डिलीट मारकर उसे दोबारा डाउनलोड कीजिएगा, आपकी KYC सही तरह से हो जाएगी। चलिए विस्तार पूर्वक जानते हैं KYC आपको किस प्रकार से करनी है। मैं यदि आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसे यहाँ पर आना है। ये देखिए आप आओगे यहाँ पर तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग के ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट इन्वेस्टिंग के ऑप्शन पर क्लिक करोगे यह आपको अपना अकाउंट सेटअप करने के लिए कह देगा। देखिए पैन नंबर, अब आपके पैन नंबर से यह आपको डिटेल भरनी होगी। अभी हम अपना पैन नंबर भरने जा रहे हैं, तो हमने भर दिया है और अब आगे बढ़ गए हैं। तो यह हमारे वेरीफाई कर रहा है पैन, ये पैन ऑटो वेरीफाई हो जाएगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए आपको ईमेल आईडी डालने के लिए कहेगा, आप हिसाब से अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा और आपको अपना स्टेटस भर देना है, सिंगल है या मिंगल है, और ये भर दिया है। इसके अलावा आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी भर देनी है जो आपको अपनी भरनी है। हमने हमारी DOB भी भर दी है और हम आगे अभी बढ़ जाएंगे। तो ये अपना अपने आप ही अकाउंट सेटअप करने लग जाएगा। देखिए जैसे कि ये भर लेगा, ऑक्यूपेशन है, अभी हम भर देंगे सेल्फ एम्प्लॉई हैं, अब एक गरीब आदमी है और 1 लाख से नीचे कमाते हैं, ये लिख देना है आपको और आगे बढ़ देना है। ये देखिएगा और SMS अलर्ट आपको भरने के बाद में ये देखो डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन, अभी लिंक अकाउंट करने के लिए कहेगा। अभी आप देखो अकाउंट नंबर लिंक कर सकते हैं, पेटीएम है, फ़ोनपे है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं या आप अपना बैंक अकाउंट है जोड़ सकते हैं, समझ गए। लेकिन हमारे पास पेटीएम का है तो हम पेटीएम से कनेक्ट कर रहे हैं। ये पेटीएम, एयरटेल, जीपे किसके साथ जोड़ोगे, हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं तो हम पेटीएम के साथ जाना पसंद करेंगे। अब ऑल पे के साथ क्लिक किया है एक बार तो अभी ये पेटीएम के साथ जाएगा और 1 रुपये देने के लिए कहेगा, अभी हम 1 रुपये पेमेंट कर देंगे इनको। ये देखिए हमने पासकोड भर दिया है और ये 1 रुपये सक्सेसफुली ऑर्डर हो गया है। जैसे सक्सेसफुली ऑर्डर होगा ये देखिए ये अकाउंट सेटअप हो चुका है और कंफर्म करने के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आप देख सकते हैं अभी हमारा अकाउंट रेडी हो चुका है। अभी अकाउंट कंफर्म हुआ है हमारा। रिवार्ड का ऑप्शन देखते हैं, ये देखिए हमें 38 रुपये कैशबैक मिल चुका है इंस्टेंट के इंस्टेंट हमें हाथों हाथ, और ये देखते हैं कि हमें कितना भी प्राप्त हुआ है। और दोस्तों जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि हमें 100 रुपये यहाँ पर कैशबैक मिल चुका है। तो आपने देखा किस प्रकार से हमने KYC की है, और KYC करते वक्त ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको KYC करते वक्त आपके जो मोबाइल में जो आपका पैन कार्ड है, जिस पैन कार्ड जिस मोबाइल नंबर से लिंक है उस मोबाइल नंबर में आपका रिचार्ज होना चाहिए, जिससे OTP आएगा और OTP वेरीफाई होगा, ये ध्यान देना है। OTP नहीं आ रहा है, इसका मेन कारण यही है कि आपके मोबाइल में रिचार्ज नहीं होगा इस समय। और दोस्तों आपके मन में किसी और प्रकार की कोई भी समस्या आ रही हो नबी ऐप से लेकर, तो आप नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपकी समस्या का हल किया जाएगा। और दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने भी नबी ऐप से रेफर करके अच्छा खासा पैसा कमाया होगा या भविष्य में कमाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में, देखते रहिए टेकनेट मी।